कोई मेरी कुकिंग का कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, पर मैं घर में ही चीजें बनाऊंगी क्योंकि मेरे तीन प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। मीत सही में आ गई। क्यों मीत, ये किसने किया? इधर आप पापा के पास, यहाँ के बैठो, यहाँ के बैठो। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। रचना बना रही कोई सा हलवा, पता नहीं कौन सा हलवा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा आज के वीडियो में। प्लस कई लोगों कमेंट आए थे, कुछ लोगों को पर्सनल आए थे, भाई साहब आप अपने घर की दिवाली पे पूजा करने क्यों नहीं गए थे और एकादशी पे भी क्यों नहीं करेंगे हम ओबीएस हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा वीडियो के एंड तक। आपको पूरा वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा क्यों नहीं करी हमने, कुछ रीज़न था उसके लिए। और एकादशी पे भी हम ऐसा क्यों नहीं, तो क्यों ऐसा रीज़न है, तो वीडियो पूरा देखोगे तो पता चलेगा। अभी रचना बना रही क्या, तो देख के आते हैं। बादाम नहीं है घर में, अच्छी इतनी सी बादाम होती उसको भी गला के पीसते हैं तो और अच्छा लगता, बट बादाम है नहीं घर में। दोस्तों अब जाके पानी कटा है, आधे घंटे से भी ऊपर हो गया क्योंकि इसे सेकना बहुत जरूरी होता है अच्छे से। और मुझे शक्कर भरनी, मैं सोची थी गुड़ में बनाऊं क्या, तो मम्मी को मीठे ही बना के शक्कर में बना रही थी। सब उठ गए हैं, मुझे जल्दी खिलाना पड़ेगा इन लोगों को, अलग से डाल के देना पड़ेगा क्योंकि मम्मी बहुत मीठा खाती है, हम लोग तो नॉर्मल खाते हैं। मैं वैसे बच्चों के हलवे वगैरह में गुड़ का यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ बन गया है फाइनली, मुझे लग रहा है और सेकना चाहिए था, कलर चेंज तो हो गया है। अब धूप में आपको कैसा दिख रहा है पता नहीं, पर देखिए सुबह की धूप में प्यारा सा हलवा बन गया है। टेस्ट करवा लेते हैं, आई होप बच्चे भी खा लें और मम्मी भी खा लें। वैसे इसे रोज खाना चाहिए खाली पेट, अगर आपको सर दर्द होता है तो या वीकनेस रहती है तो ये बहुत अच्छा होता है। मैंने जितना है कम ही बनाया है क्योंकि ज़्यादा बनाने के चक्कर में क्या होता है ना, मुझसे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। काजू वगैरह पिस्ता इसके ऊपर डाल सकते हैं, पर बच्चों को अभी मुझे अटकने का डर रहता है इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। खसखस का हलवा हमने खाया और बहुत टेस्टी लग रहा है सच में। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ, मगर है, खा सकते हैं। बहुत तो नहीं होता गाजर या मूंग जैसा। हाँ मगर अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी इसलिए शायद अच्छा लग रहा है। कैसा लगा गीत? अच्छा लगा। बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं और मैं मम्मी से पूछा था, मम्मी को तो मीठा पसंद है। मम्मी अच्छा लग रहा है। तो दोस्त भाई मस्ती चल रही है, अभी रंगोली बनाने जाने वाली है। रचना कहता है कैसे रंगोली बनाएगी, कितनी बन पाएगी, वो आपको देखना वीडियो में। और तब तक इंट्रो में आपने देख ही लिया हो, मगर अभी पूरा वीडियो देखना। और काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपने दिवाली में अपने नए घर की पूजा क्यों नहीं करी, जैसे मैं एकादशी पे भी नहीं करने वाले, तो क्यों नहीं करी, उसका जवाब अभी हम देते हैं। रचना भी आ गई और हम भी देते हैं, पहले रचना से सुन लो फिर एक अच्छे महान एस्ट्रोलॉजर से सुन लेना। कुछ फीडबैक भी है एस्ट्रोलॉजी में, हमने जो कुंडलियां देखी पिछले 15 दिनों में, तो वो भी आपको बता देंगे। पहले रचना की सुन लो क्या वजह है। दोस्तों देखो हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देते हैं, जिसे मालवीय जी देते हैं, हमने बहुत बार कहा है कि हम प्रैक्टिकल रेमेडीज देते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई मजाक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि कुछ रेमेडी दे दी, उपाय दे दी और चमत्कार हो जाएगा। ये सदियों से हमारे सनातन धर्म में चली आई प्रैक्टिसेस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमें समझ है, जो हम मानते हैं वो ये है कि जब हम घर बनाते हैं तब हम भूमि पूजन करते हैं, तो हम धरती माँ की पूजा करते हैं कि आपके ऊपर हम अपना घर बना रहे हैं, तो एक तरीके से परमिशन मांगते हैं देवी देवताओं को, गणेश जी सबका आह्वान करते हैं कि हमारा घर अच्छी तरीके से बन जाए, उस समय वो चीज़ पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर बोरिंग करते हैं हम पानी के लिए भी, वो जो भी है जल देवता है या
हाँ। सभी से परमिशन लेते हैं और वो करते हैं, लेकिन दिवाली पे अभी वहां जाके पूजा करना हमें सही नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो घर बन रहा है, जो टाइल्स हैं वो सब खड़ी हुई है, उस जगह पे अभी मजदूर रहते हैं, वो लोग उन क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, दारू तो पी रहे हैं, बोतल दिखी है, ठीक है, ऐसी जगह पे आके पूजा करना, क्योंकि जो दिवाली की पूजा होती है वहां पे भी हम गणेश लक्ष्मी सरस्वती जी की पूजा करते हैं, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, सिर्फ पूजा करके आना तो नहीं हमें सही लगा। अंडर कंस्ट्रक्शन, ये हमारा मानना, सबका अलग हो सकता है। हाँ। मगर मैं इसमें हमारा मानना इस वजह से है, उसका रीजन यही है कि वहाँ अनैतिक ऐसे काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि हम मना भी कर देंगे तो मजदूर नहीं मानेंगे, और दूसरी चीज ये है कि अभी हम वहाँ रह नहीं रहे। जब हम कोई पूजा करते हैं, जैसे कि अगर दिवाली की हम वहाँ पे पूजा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी का, सरस्वती माता का, और उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए हमारे घर में आके हमें आशीर्वाद दीजिए और विराजिए, है ना, यही कहते हैं हम कि माता रानी हमारे घर में रहे सदैव। तो वहां पे हम किसको बुलाएंगे ऐसी जगह, वहां हम नहीं, दीपक भी नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए कि हमें ठीक नहीं लगता, और हम लोगों को भी मना करते हैं जब तक आप वास्तु पूजा ना करा के रहने लगे, और अगर आपने वास्तु पूजा करी, उद्घाटन की है, तो आप वहां एक दिन का भी गैप ना दे, तब नहीं देना चाहिए। सबसे पहले जैसे आपका घर बनता है, हम उसे देखिए जो नॉर्मल है, हम उसकी साफ सफाई करते हैं, उसे पवित्र करते हैं, पूजा करते हैं, फिर हम अपने जो भी जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, नवग्रह पूजा करते हैं, और कहते हैं कि कोई भी दोष हो, कोई भी गलती हुई हो, बनाने के दौरान हमसे जो भी हत्याएं, जीव छोटी छोटी हत्याएं, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, और फिर हमारे देवी देवता कहते हैं आप आइए हमें आशीर्वाद दीजिए और इस घर में हमारे साथ रहिए, तो वो पॉजिटिविटी हाँ। बुलाते हैं हम, उनकी पॉजिटिव आशीर्वाद, ब्लेसिंग एनर्जी बुलाते हैं, और फिर हम तुरंत हमें उस घर में रहना चाहिए। जैसे आज आपने गृह प्रवेश किया, तो आप ये मत सोचिए कि हम नेक्स्ट वीक शिफ्ट होंगे, नहीं, भले आप सामान लाने में एक महीना लगा दिए, लेकिन आज रात से आपको यहाँ रहना है, सोना है, खाना है, नहीं, कोशिश नहीं, आपको करना ही, आप ऐसा इंतजाम करें किचन का सामान गृह प्रवेश वाले दिन ही रहने, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये पर्सनल अनुभव बता रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि मैं ये कह रही हूँ, नहीं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद देखा है अपनी फैमिली में, दूसरों के कंसल्टेशन के दौरान देखा है, ऐसी गलती मत करना गृह प्रवेश वाले दिन। इसीलिए हमने अभी हाँ, अगर ये लॉक होता तो दीपक जरूर लगाने जा सकते थे, पूजा भले ही ना करते, मगर हमने अभी दीपक भी नहीं लगाया, क्योंकि अभी उचित नहीं है, अभी घर बन रहा है, बनने के बाद उसमें हम सब कुछ कराएंगे, उसमें सब पूजा भी होंगी, उसमें तो चिंता ना करें। देखो रीत रो रही है तो रचना ने उनको दो दो ले लिया, बता रही हूँ उसके अंदर मैचिस है, माचिस, अरे वो आगे सामान भी अंदर रख किया, पूजा का सामान भी लिया। कितना अच्छा काम किया आपने, वाह भाई वाह। 1, 3 क्या हुआ इससे? 4, 5 इतना क्या कर क्या रहे, समझ में आ रहा है कि बच्चों की तरह खेल रहे हो आप? मुझे भी नहीं पता, मारा जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मामा इसको देखो, इसको बेटा, आप ही तो चिढ़ रहे थे उससे, आप ही तो कर रहे थे, पूरा काम बिगाड़ दिया आपने। नहीं, उसने नहीं किया, ये रीत है ना, गुस्सा कर रही थी इससे, बहुत छुड़ा लिया था तुमने। मीत क्यों मीत, ये किसने किया? इधर आप पापा के पास, यहाँ आके बैठो, यहाँ के बैठो चुपचाप, पूरा गंदा कर दिया, इतना अच्छा मम्मी ने बनाया, पहली बार मम्मी अच्छा बना रही थी। रुको, ये रुको, ये रुको, लग रही इतनी अच्छी लग रही रचना, बस मत कर कुछ भी, रचना अच्छी लग रही सच में, पागल, इनको इनसे खेलने लगाया है, इसको इधर दे दिया, ये आ गए दीदी, अब यहाँ बना रहे हैं ये घर क्या, डांस मैं डांस करो, तो भाई साहब इतनी अच्छी रंगोली बनी है, मगर बच्चों ने बिगाड़ दी, दो बार उसके ऊपर चल के चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर से, तो आपने देख ही लिया था, ये देखो इधर क्या कर रहा है इनने, रहने दे रचना यार, अच्छी लग रही है बच्चों का, बहुत अच्छी बनी है ना, बहुत अच्छी लग रही है, उल्टी तरफ से देख रहा था भैया, सुबह नहीं, कोई बच्चा नहीं अच्छी आएगा, अच्छी लग रही है ना, ऊपर से बिगाड़ चुके तुम लोग।
तो दोस्तों मैंने अभी प्रसाद के लिए बेसन और मिल्क पाउडर को मिक्स करके ये मैं बर्फी बना रही हूँ, अभी मिक्स ही कर रही हूँ। सेक लिया इसको अच्छे से और थोड़ा सा पानी डाले। ठीक है, बाहर का लाते मैं भी खाती हूँ, सब खा रहे। थोड़ा बहुत स्वाद ऊपर नीचे होगा पर बच्चा अपने हाथ के ही खा रहा है। बाहर का खाते हैं, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हेल्दी घर का खाती हूँ, पर ठीक है बना सकते हैं। थोड़ा सा ही बनाया, देखो ज़्यादा नहीं बनाया, बाहर के त्यौहार तो आते रहेंगे, बाहर से कितना मंगाते रहेंगे। और यहाँ आसपास मारवे जी कहते हैं अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर रिस्क क्यों लेना। तो दोस्तों ये बन गई है, इसे अब मैं फ्रीजर में रख रही हूँ, फिर कट करके प्रसाद में चढ़ाएंगे। कोई मेरी कुकिंग का कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाए, पर मैं घर में ही चीजें बनाऊंगी क्योंकि मेरे तीन प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उनकी हेल्थ भी देखनी है। बाहर से लाते हैं, मिलावटी खाना होता है, मम्मी को भी मन करता है थोड़ा मीठा खाने का, और दिवाली के टाइम वो सही बात है कि इतना कम बाहर से लाना अच्छा भी नहीं लगता। मुझे 250 ग्राम मिठाई लाना मुझे लगता बड़ा ऑकवर्ड। मालवीय जी ज्यादा ही लाते हैं, मैं ही खाती हूँ। दिवाली में सबकी तबीयत खराब थी तो आप समझ ही गए होंगे किसने ठूसा होगा। उसी का अंतर है वापिस से रचना, 1 kg फिर बढ़ गया, फिर भी रचना ने 7 kg कम कर ली है। इन सब बातों का भी यहाँ ध्यान रखना। नहीं मान लो जी, मुझे फील हो रहा है। अरे चलो ना जिम में बात करते आते हैं। अभी तो जे करेंगे फिर बाद में बात करेंगे। चलो मैंने तो कर दिया है तुलसी विवाह, शालिग्राम जी को 7 फेरे दिलवा दिए। ये करो जीजी, आप लोग कर लो। मजा आ रहा है। तो दोस्तों एकादशी के फटाके भी फोड़ रहे हैं बहुत सारे, इतने सारे तो हमने वो फोड़ लिया अनार, 2-3 खराब निकले हैं क्योंकि आखिरी का माल होगा ना। इतनी सारी चक्री फोड़ ली है, सिर्फ चक्री और अनार बस, और कुछ भी लेकर आए हम, इतना है अभी। इतनी चक्री बची है, हम सोच रहे आज ही खत्म कर देते हैं। देखो दोस्तों भैया आज का दिन भी चला गया त्योहार। बता हमारे इंदौर में वैसे तो 11 की छुट्टी होती है, बट आज मेरा ऑफ था। रीजन, कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी कर दी थी। हाँ जी बहुत अच्छी बात थी। अब छुट्टी में मैं तो वैसे भी 3 घंटे के लिए जाती, लेकिन फिर भी छुट्टी मिलती तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा सुबह की ठंड ठंड हल्की सी लगती, सोना को मिल जाता है। और भैया अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। शादियां होने वाली है मीत, तो अब वो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। दिसंबर में हमें बुलाया तो गया है, लेट्स सी। और हमारी मम्मी जी को बड़ी टेंशन रहती है हमारे देवर जी जो है उनकी शादी की। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी शादी नहीं हो रही है, उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, उनके जो वो जो चाहते हैं अपनी होने वाली वाइफ में। बहुत सारे रिश्ते देखे पर गॉड नोज क्यों नहीं हो रहे। तो कई लोग पूछते हैं कि भैया आप तो कुंडली देखते हैं, तो आप बस मम्मी भी कहती तुम लोग कुंडली देख के बताओ उसकी शादी। देखो कुंडली देखना ही सब कुछ नहीं होता, वैसे भी उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें करते हैं, लेकिन शादी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो उपाय या रेमेडी देते हैं हम, वो उन्हें करने चाहिए बट वो नहीं मानते। इस तरीके से नास्ती के मम्मी ज़बरदस्ती कुछ कुछ करवाती हैं, तो इनकी मम्मी को एक सबसे बड़ी यही एक टेंशन है कि बेटे की शादी नहीं हो रही। वो दिवाली पे भी यही उनका यही कहना होता है कि तुम लोगों का तो परिवार है, मनोज के पास तो वाइफ है, बच्चे हैं सब है, नीरज अकेला है। नीरज अकेला अक्सर उनके मुँह से निकलता है। तो ठीक है, माँ को तो होती ही ये टेंशन। उम्मीद है इस साल उनकी भी शादी हो जाएगी। और आप लोग भी अगर कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, आपके घर में मांगलिक कार्य अगर रुके हुए हैं तो बताइएगा जरूर। रुके होने का मतलब तो बहुत सालों से ना किसी की शादी नहीं हुई होती, किसी की भी नहीं हुई घर, कुछ अच्छा गृह प्रवेश नहीं हुआ होता, कोई हमने पूजा इवन कुछ लोग क्या सत्यनारायण कथा या नॉर्मल पूजा भी नहीं हुई होती है। ये पता है कई जगह होती है। मैं बताऊँ एक बार, मालवीय जी के घर में भी कुलदेवी की पूजा पिछले 20-21 साल से नहीं हुई थी, इनकी मम्मी तक ने वो पूजा नहीं देखी थी। लेकिन जब हमारी शादी हुई, आप लोगों को पता है हमने इंटरकास्ट मैरिज करी थी हम, तो अरेंज मैरिज तो थी नहीं कि पेरेंट्स ने ढूंढा था। तो हमारी शादी के बाद मालवीय जी ने कहा मम्मी अपने यहाँ कुलदेवी क्यों नहीं पूजा। तो 21 साल बाद सोचिए हम लोग गांव गए थे, वहाँ पे कुलदेवी की पूजा हुई और फिर रेगुलरली होने लगी। तो इनकी चाचियों ने मुझे कहा था रो रही है, गुड नाइट कह दो।
जे जे करो, जे 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 करो, जे जे करो, कैसे करो, जे जे ऐसे करो, जे जे करो। आज भैया आरती में रीता के थाली पकड़ के भैया दस रोज का है, रोज का चार पांच बार आज शायद हमने आरती ज्यादा कर ली थी तो बार बार आ रही थी। ये तीनों आरती करती दोस्तों थाली पकड़ के करेंगी। देखो 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 देख 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 रहा चला। जे जे करो, जे जे गुड नाइट करो, गुड नाइट, गुड नाइट करो, जे जे करो, जे 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 उसने उसे जे जे कैसे किया हाथ में यूं रख के जे जे तो गिर आप ही गुड नाइट बोल दो। चलो बच्चे तो वही करते ना जो देखते। तो दोस्तों जो कहते हैं ना कि आपके मन का ना हो या दूसरे का मन का हो रहा हो तो चलो ठीक है, आपके मन का हो तो अच्छा, आपके मन का ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि मगर ये शनि और केतु की युति वालों के लिए है, ये चार नंबर वालों के लिए जिनका जन्म 22 को 13 को है 31 को है ये 4 तारीख को है, तो उनके साथ ये अक्सर होता है कि उनके मन का नहीं होता है, इसलिए कि उनके साथ ऐसा होता है उनके मन का नहीं होता है, ऊपर वाले के मन का होता है फिर वो। तो उसके भी उपाय हैं कि आप अपने मन का करा सकते हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट करो गीत। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, चलो जय माता दी। सुसु है ना? नहीं। अरे ये क्या है? ये क्या है दोस्तों बताना की थी, क्या है ये, क्या होता है? ये सुसु है। मैम ने सिखाया मैं है गो टू टॉयलेट पे ऐसे इशारा बोलना, मैं गो टू टॉयलेट, शायद बच्चे लेट हो जाते होंगे बताने में, तो क्या मैं गो टू टॉयलेट, चलो बड़ा है धीरे धीरे सीखोगी।